नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। मास्टर स्ट्रोक में आज कुछ खास है, बहुत खास है। और सभी का पैसा सुरक्षित है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नमस्कार, आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि सभी अपने परिवार, अपने घर में सुरक्षित हैं और अनलॉक का जो पीरियड ये चल रहा है उसमें आप अपना ख्याल रखते हैं और गवर्नमेंट पे बताए हुए जो नियम है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क पहनने के, इन सब को आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और चाहे तो उस चीज़ को आप ऑनलाइन ऑन एयर कर सकते थे कि हमने इस तरह की चीज़ें पाई है और हम चाहते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन, जो इसका जवाब है, उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ से भी मिले ताकि हम दोनों पक्षों को देखते हुए फिर अपनी रिपोर्ट को बना के दें। एक तरफा रिपोर्ट कभी कभी सही होती है क्या वाजपेयी साहब? कई सवाल निकल कर आते हैं इसमें कि क्या वाकई करप्शन अपनी स्थितियों के साथ जीते रहता है, क्योंकि एनजीओस की फंडिंग को लेकर तो इस देश में रोक लग गई, शेल कंपनियों को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया रोक लग गई, लेकिन आरबीआई के जो नई स्थितियां सामने आ रही है उसमें बार बार यह लग रहा है कि कर्ज जो बैंक से लेते हैं, लेकर जो फुर्र हो जाते हैं, उसके बाद उन कंपनियां जो यहां पर हो रही होती है उसको कर्ज की भरपाई कैसे की जाती है। एक अलग रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, तब समझ पाएंगे करप्शन की परिभाषा बदल गई है। लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा रह करके कहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद एक भी ऐसी लोन हमने नहीं दिए जिसको एनपीए की नौबत आई हो। तो आंकड़े भले कुछ भी कहें, लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं मानते कि उनके राज में एक पैसे का कर्ज भी एनपीए में गया है। लेकिन दिवालिया बताकर कर्ज डुबोने वालों से जिस इंसोवेल्सी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के आश्रय पैसा वसूल करने का दावा किया गया था, क्या वो कानून भी सही राह पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बैंकरप्सी एंड इंसोल्वेंसी कोर्ट को लेकर दावे बड़े बड़े हुए। The ordinance is necessary because this act itself provides a 180 day time period in which a resolution is to be completed. और इसके बाद तो आप वाजपेयी साहब टोटली एनपीए पर आ गए, बैंक लोन के ऊपर आ गए, तो फिर से आपका इल्ज़ाम भारतीय के प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र जी मोदी के ऊपर आपके इल्ज़ाम पे चढ़ी, जिस जैसे कि आपको आदत है लगातार आपको लगाते रहने की, वो आपने अपने चिरपरिचित अंदाज में उन रिपोर्टों को पेश करते रहे। वाजपेयी साहब, दूसरे दिन फिर आपकी रिपोर्ट कंटिन्यू रही और 13 तारीख का जो इफेक्ट था वो ये हुआ कि 3 स्थानों पे छापे पड़े आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी के अलग अलग ऑफिसेस में। सही बात है, जिक्र हमने कल ही किया था, ललित मोदी का नाम सुना है, नीरव मोदी का नाम सुना है, मुकेश मोदी के घोटाले को दिखलाया था और ऑपरेशन लूट जब कल हमने दिखलाई थी, असर ये हुआ 3 जगहों पर छापा मार दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जयपुर, सिरोही और उदयपुर। लेकिन सिलसिला वही नहीं थमता है, किस रूप में कैसे पैसे बनाए जाते हैं और पूरा परिवार ही उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जरा देखिए उस रिपोर्ट को। मीनाक्षी मोदी, प्रियंका मोदी, वैभव लोढ़ा, वीरेंद्र मोदी, भारत मोदी, रोहित मोदी, राहुल मोदी और समीर मोदी, तो पत्नी और बेटी से लेकर भाई भतीजे तक सबका हिस्सा बढ़ चुका है। और यही है मुकेश मोदी का वो कुनबा जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 20 लाख निवेशकों के 84 अरब 10 करोड़ रुपए डकारने की फिराक में है, या कहीं डकार चुका है, क्योंकि बरसों बरस से आम जनता से 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक लेते लेते 20 लाख लोगों से रुपया अगर जमा कराया जाता है और फिर अकाउंट में दिखाया जाता है 131 करोड़ 63 लाख रुपए, तो आप क्या कहेंगे? मेनली ओरिजिनली तो वीरेंद्र मोदी था, उनका छोटा भाई है एक, लेटर स्टेज में उन्होंने अपने डॉटर को इंट्रोड्यूस किया, इस सोसाइटी के एमडी बनाया था, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि भी आदर्श सोसाइटी अब कभी भी जाएगी आगे पीछे, जेल भी जाना पड़ सकता है, तो इसलिए हमने बेटी को और जमाई को सबको वहाँ से रवाना कर दिया।
अब अपने छोटे भाई जो वीरेंद्र मोदी है उसी का लड़का है राहुल मोदी, नाउ ही इज द एमडी। और हमने कल ही आपको दिखाया था कि मुकेश मोदी कैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अरबों रुपए कर्ज के तौर पर अपने परिवार की फर्जी कंपनियों में जमा करा चुका है। अब जरा इन दस्तावेजों को गौर से देखिए, इसमें तकरीबन 59 कंपनियों के नाम लिखे हैं और इन सभी कंपनियों के डायरेक्टर मुकेश मोदी या उनके परिवार के लोग हैं। इन 59 कंपनियों को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से 1,546 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया जा चुका है, जिसे लोन कहते हैं। यानी मुकेश मोदी ने अपने ही परिवार के लोगों को निवेशकों के 1,546 करोड़ रुपए बांट दिए। और यह कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। लूट के इस धंधे में मुकेश मोदी ने परिवार के अलावे अपने दोस्तों और भरोसेमंद कर्मचारियों का भी इस्तेमाल किया और इस तरह से 134 शेल कंपनियां और बनाई, जिनमें दोस्तों और कर्मचारियों को डायरेक्टर बनाया गया। और इस लिस्ट में मुकेश मोदी के परिवार के अलावे उसके बाकी करीबी लोगों के नाम है। इन सभी लोगों को अलग अलग कंपनियों में डायरेक्टर बनाया गया है और इस तरह से अपने करीबी लोगों की 134 कंपनियों को भी 2,545 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर दे दिए गए। तो परिवार की 59 कंपनियों और दूसरे करीबी लोगों की 134 शेल कंपनियों को आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के कुल 4,091 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। यानी निवेशकों के कुल जमा 8,410 करोड़ रुपए में से लगभग आधा मुकेश मोदी अपने परिवार और करीबी लोगों को बांट चुके हैं। वाजपेयी जी, मेहनत आपने बहुत की है, हो सकता है कि आपकी मेहनत नहीं, ये आपके पास में रेडीमेड डाटा कहीं से उपलब्ध हो गया जिसको क्रॉस चेक भी करना आपने शायद जरूरी नहीं समझा होगा। जो नंबर ऑफ कंपनीज का आपने नाम लिया वो अपनी जगह सही है। क्या उनकी बैलेंस शीट को आपने प्रॉपर्ली देखा? उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने देखा? क्या उनकी एसेट्स को आपने, लाइबिलिटीज को आपने देखा? उनको देखे बिना ही आपने पैसा डकार जाने का जो इल्ज़ाम लगाया है वो एक बेसलेस है। और एक आपके जैसे बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट के द्वारा इस तरह की रिपोर्ट पेश की जाना थोड़ा सा अचंभित करता है। अब दूसरे दिन की रिपोर्ट में आपने इनके पूरे परिवार का एक चक्र बनाकर जिसको कुचक्र का नाम दिया और बता रहे हैं कि 8,410 करोड़ डकारे जा चुके हैं या डकारने वाला है, ये कयास पर आपने अपनी दूसरी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन जिन लोगों का ये पैसा है उन्हें मिल नहीं पा रहा। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा करने वाले ऐसे ही एक निवेशक ने अपनी परेशानी एबीपी न्यूज को बताई। मैं आज आदर्श सोसाइटी गया था, मैंने यहाँ एफडी करवा रखी है 25,000 की, तो कल न्यूज देखने के बाद मैं यहाँ मैच्योरिटी से पहले इसको विड्रॉल करवाने गया, तो वहाँ के एम्प्लॉय बोलते हैं कि आपको ये मैच्योरिटी से पहले नहीं मिलेगी, आपको इसके अगेंस्ट लोन मिल सकता है जो इसका 50% रहेगा और उस पर 24% ब्याज। और उसमें एक केस दिखाया जहाँ पर कि कोई निवेशक जो सदस्य है वो अपनी एफडी को वापस लेने जाता है और उसमें लेना चाहता है तो उसको पैसा कट के मिल रहा है या जिस तरह की भी वो चीज़ है, तो क्या उसको आपने गौर से देखा कि वो किस तरह की एफडी थी, किस तरह की डिपॉजिट थी? क्या इस तरह की डिपॉजिट में पैसा जो वापस मिलता है वो किस तरह से मिलता है? अगर कोई भी योजना लॉन्ग टर्म होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंश्योरेंस के अंदर भी कोई योजना होती है और उसमें अगर पैसा वापस चाहिए होता है तो कैसे पैसा वापस मिलता है, किन शर्तों के साथ पैसा वापस मिलता है? तो वो इसी तरह से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी अलग अलग तरह की योजना होती है, अलग अलग वर्ष की योजनाएँ होती है जिसमें 3 महीने की योजना से लेकर 10 साल तक की योजनाएँ मौजूद होती है। हर योजना का अपना एक टर्म एंड कंडीशन होता है, उस नियम और शर्तों के साथ, उन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उस पर वर्कआउट करना पड़ता है। क्या उसकी कॉस्टिंग निकाले बिना, उसकी फिजिबिलिटी निकाले बिना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी एफडी को यू ही लॉन्च किया जा सकता है? एज ए बिजनेसमैन आप खुद इस चीज़ को सोचिए, समझिए अपनी रिपोर्ट देने से पहले। तो ये है मुकेश मोदी की आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का असली चेहरा। जिन लोगों की जमाई से इस सोसाइटी ने अरबों की पूंजी जमा की है उनको ठेंगा और उसी पैसे से परिवार के सदस्यों की ऐश। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 20 लाख निवेशकों के 84,10,00,000 रुपये डूब जाएंगे। सोसाइटी की बैलेंस शीट कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है।
ये आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बैलेंस शीट है, जिसके मुताबिक 31 मार्च 2018 तक सोसाइटी के पास जमा रकम, उसका ब्याज, दूसरी देनदारियों को मिलाकर कुल देनदारी 9,639 करोड़ रुपए की है, जबकि उसके पास बैंकों में जमा राशि और कैश मिलाकर केवल 131,63,00,000 रुपए है। जो बैलेंस शीट आपने शो की, जहां पर की टोटल देनदारी इनकी 9,600 करोड़ की है और इनका जो कैश इन हैंड और जो बैंक का जो बैलेंस है वो 131 करोड़ है, तो ये बैलेंस शीट के साथ आपने चेक किया कि एसेट्स, लोन पे कितना पैसा है, एसेट्स कितना है, क्या उनके ऊपर गौर किया? क्योंकि कैश इन हैंड और 131 करोड़ की लिक्विडिटी, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा लिक्विडिटी रखने का कोई मतलब नहीं रहता किसी भी एक अच्छे बिजनेस हाउस के अंदर। उनका पैसा तो कहीं ना कहीं निवेश हो जाना या उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेना, वही एक इन्वेस्टमेंट, एक चतुर इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। लेकिन आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, तो आप थोड़ा सा डिटेल में और देखें कि उनकी असेट्स कितनी हैं, उनके पास उन्होंने लोन में कितना पैसा दिया है, और जिस कंपनी को उन्होंने लोन दिए हैं वो उन कंपनियों का भी वापस हमको देखना ज़रूरी है बैलेंस शीट, कि उन्होंने उस लोन को एग्जैक्टली क्या किया है, क्या उन्होंने 100% पैसा अपने रेगुलर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, क्या उन्होंने 100% पैसा खर्चों में शो कर दिया, क्या उन्होंने 100% पैसे में 10 रुपये की चीज़ ली है उसको 100 रुपये की बना दी गई है। अगर उस डिटेल तक हम नहीं जाएंगे तो हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि ये पूर्ण रूप से धांधली की जा रही है। तो अगर एसेट्स है तो उसकी वैल्यू है, एसेट्स बिकने के बाद उसकी वैल्यू मिलती है, और अगर वो प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी 2001 से लेके 2000, तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दरअसल उन लाखों लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रही है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस भरोसे से जमा करा दी कि 5 बरस बाद दुगनी हो जाएगी। और मुकेश मोदी और उनके भतीजे राहुल मोदी के साथ सत्ताधारियों की ये तस्वीर साफ बताती है इन्हें कोई छू नहीं सकता, तो लूट जारी है। हालांकि हमने जब खबर बताई कि उसके बाद इनकम टैक्स का छापा पड़ा, लेकिन इनकम टैक्स के छापे का मतलब होता क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत आज से नहीं लंबे अरसे से भेजी गई, अलग अलग मंत्रालयों में चिट्ठी लिखी गई और जानकारी दी गई कि जनाब इस तरीके से घपले घोटाले हो रहे हैं, ध्यान फिर भी नहीं दिया गया। जरा इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्या वाकई देश बदल रहा है या देश में ऐसी स्थिति है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो देश में 92,789 कोऑपरेटिव सोसाइटी है और निवेशकों के जरिए इनकी कमाई 8,46,16,00,000 रुपए, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का ये दावा सुनिए। नोटबंदी के बाद जिन 3 लाख संदिग्ध कंपनियों के बारे में पता चला था, जिनके माध्यम से काले धन का लेन देन किए जाने की आशंका है, उनमें से 2,10,000 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि शैल कंपनियों के खिलाफ इस सफाई अभियान के बाद डायरेक्टरों में भी जागरूकता बढ़ेगी। तो दावा देश में शेल कंपनियों को बंद कर काले धन पर नकेल कसना था, पर मुकेश मोदी का खेल 250 शेल कंपनियों के आश्रय कैसे चलता रहा, या कहें कैसे चल रहा है? और मामला सिर्फ एक सोसाइटी भर का नहीं, बल्कि तमाम मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे ही लूट का धंधा चला रही है, ये सब कुछ सामने है। तो ऐसे में इनसे मिलिए, ये है ऋषिकांत ममगाई। करीब 5 बरस पहले खुद एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की कोशिश में थी, और उस बनाने की प्रक्रिया में इन्हें जो देखने को मिला उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऋषिकांत के मुताबिक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक पोंजी स्कीम की तरह इस देश में चलाई जा रही है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट की पूंजी स्कीम है। आप जितनी भी सोसाइटीज देखेंगे सब में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग काम कर रहे हैं, वही प्रेसिडेंट बनते हैं, वही सेक्रेटरी बनते हैं। ये कैसे होता है? इसमें एक जो चीफ प्रमोटर होता है वो बनाता है, वही चीफ प्रमोटर जो है इसको आगे जो है इसका बोर्ड को निर्धारित कर लेता है, अपने हिसाब से बना लेता है, और इसके बाद वो साइफंड ऑफ फंड करने का भी आसान तरीका उनके पास होता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की हकीकत जानने और समझने के बाद ऋषिकांत ने एक मुहिम के तौर पर इन पोंजी कंपनियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और आरबीआई के गवर्नर तक को चिट्ठी लिखी, सब कुछ आपके स्क्रीन पर है। 17 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री
दफ्तर को भेजी इस चिट्ठी में ऋषिकांत ने साफ लिखा कि कड़े नियमों के अभाव में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। ऋषिकांत ने इसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को कुछ सुझाव भी भेजे, पर वक्त बीतता गया और हुआ कुछ भी नहीं। मैंने कम से कम 40 चिट्ठी लिखी हैं, इवन आरटीआई भी डाली हैं, लेकिन कोई जवाब, संतुष्ट जवाब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आता नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एटलीस्ट एक्नॉलेज होता है और वो लेटर जो है मंत्री मंत्रालय को चला जाता है। मंत्रालय एक छोटा सा जवाब कि हम इन सजेशनों पर गौर कर रहे हैं, इससे आगे कुछ बताते नहीं। तो जब सत्ता सरकार काम करना बंद कर दे तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस खेल के खिलाफ 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की गई। तब हाईकोर्ट ने बिना आरबीआई का लाइसेंस मिले क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसा जमा कराने पर रोक लगा दी थी, लेकिन तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने वाले एकजुट हुए और 10 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगवाकर दोबारा खेल शुरू कर बैठे। और उसके बाद बीते 3 से ये धंधा वैसे ही चलने लगा जैसे चल रहा है। हालत यह हो गई, अगर कभी कोई इनसे पूछताछ की भी गई तो इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मसलन अक्टूबर 2017 में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक चिट्ठी भेजी गई। कई सवाल किए गए, मसलन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक की तरह काम क्यों कर रही है, निवेशकों को तय समय से पहले उनका पैसा वापस देने से मना क्यों कर रही है, और आखिर क्यों सोसाइटी के 133 करोड़ रुपए रियल इस्टेट का कारोबार करने वाली 33 प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए, पर इन सब के बावजूद जवाब कुछ भी नहीं दिया गया। यानी एक तरफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर जनता को मूर्ख बनाने का खेल जारी है, तो दूसरी तरफ कागजों के सहारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कानूनों के झोल में सबको मूर्ख बनाकर करोड़ों के व्यारे न्यारे किए जा रहे हैं। आखिरी सवाल यह है कि हर मंत्रालय से गुजरकर जब शिकायत पीएमओ के द्वार पर जाती है तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, या ये कहे कि कार्रवाई की क्यों नहीं जा रही। तो क्या प्रधानमंत्री के ये बोल कोई मायने नहीं रखते? मुझे उम्मीद है कि शैल कंपनियों के खिलाफ इस सफाई अभियान के बाद डायरेक्टरों में भी जागरूकता बढ़ेगी।